हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में लेकर आए हैं यूनिट 5 कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस की, जो कि है हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारी यूनिट 5 है, जो कि है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, सारी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लर्निंग विद कोमल टेलीग्राम चैनल का नाम है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है कि DBMS पे शॉर्ट नोट लिखना है हमको, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, यानी कि DBMS है ना, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ये क्या करता है, ये डेटाबेस को मैनेज भी करता है और क्रिएट भी करता है ना। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट भी करता है, मॉडिफाई यानी कि चेंजिंग भी करता है, डिलीट भी करता है, ऐड भी करता है। किसको? डेटा को, फाइल्स में। और फिर उस डेटा को यूज़ करता है टू जनरेट आंसर्स क्वेरी इन डेटाबेस, है ना। तो आंसर क्वेरीज जनरेट करने के लिए इस डेटा को यूज़ किया जाता है। अब ना इसकी कुछ एडवांटेजेस हम स्टडी करेंगे कि क्या इसके फ़ायदे हैं। तो नंबर वन है ये कंट्रोलिंग रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ एक्स्ट्रा करते हैं, है ना, जैसे आपके पास कोई फाइल हो और उसको आप क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो हर जगह, मतलब एक से दो, दो से तीन बार। रिडंडेंसी का मतलब है कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप कर रहे हो, तो उस चीज़ को ये कंट्रोल करता है। तो बोला गया है ट्रेडिशनली क्या होता था, पहले जब पहले का जो फाइल सिस्टम होता था, हर एप्लीकेशन की एक अपनी प्राइवेट फाइल हुआ करती थी, जिसको ना हम मल्टीपल एप्लीकेशन में शेयर नहीं कर सकते थे। तो इससे क्या होता था, रिडंडेंसी आती थी, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करना पड़ता था और जिसकी वजह से आपका जो स्टोरेज स्पेस है वो वेस्ट हो जाता था। तो जब हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया, इसने इस डुप्लीकेशन को कंट्रोल किया, इसको अवॉइड करने की कोशिश करी कि हाँ भाई, ये जो हमारा फालतू का डेटा हम बार बार स्टोर कर रहे हैं, ये ना हो। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ये एक एडवांटेज है। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी बोली गई है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ऑल रिडंडेंसी शुड बी एलिमिनेटेड, कि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि सारी रिडंडेंसी को हम एलिमिनेट कर दें। तो कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है DBMS हमारी रिडंडेंसी को, यानी कि हम एक्स्ट्रा कुछ फाइल स्टोर ना करें, स्टोरेज का वेस्टेज ना हो, डुप्लीकेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो ये इसकी एडवांटेज है। इंटीग्रिटी कैन बी एनफोर्स। तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डेटा जो है वो एक्यूरेट हो, यानी कि सही हो, है ना, और सच दैट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन डेटाबेस, कि गलत इन्फॉर्मेशन हमारे डेटाबेस में स्टोर नहीं होनी चाहिए। तो DBMS जो है वो ऐसी, उसके अंदर काबिलियत है, कैपेबिलिटी है कि वो एनफोर्सिंग करता है इस चीज़ को कि डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे, यानी कि डेटा करेक्ट हम स्टोर करें जो भी करें। उसके बाद इनकंसिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ इनकंसिस्टेंट वे में करते हैं, यानी कि कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, तो उस चीज़ को ये अवॉइड करता है। जैसे कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में क्या हुआ था, होता था कि व्हेन द सेम डेटा इज डुप्लीकेटेड, जब हम सेम डेटा को डुप्लीकेट करते थे, यानी कि उसकी कॉपी करते थे, तो चेंजेस आर मेड एट वन साइट, एक साइट पर हम चेंज करते थे, और विच इज़ नॉट प्रोपोगेटेड टू दी अदर साइट, और ज़रूरी नहीं है कि अदर साइट पर भी वैसा चेंज पॉसिबल हो, जिससे क्या हो जाता था, इनकंसिस्टेंसी आ जाती थी, है ना, चेंजिंग आ जाती थी। एंड टू एंट्री रिगार्डिंग द सेम डेटा विल नॉट एग्री। तो इस इनकंसिस्टेंसी की वजह से क्या होता था, जो हमारी दो एंट्रीज होती थी ना, मतलब जो भी हम डेटा एंट्री कर रहे हैं वो सेम नहीं होती थी, तो इससे क्या होता था, वो डेटा क्या माना जाता था, इनकंसिस्टेंट, कि हाँ भाई ये सही नहीं है। तो इस केस में जो हमारा डेटाबेस सिस्टम आया और इसने जब रिडंडेंसी को रिमूव कर दिया, रिडंडेंसी यानी कि आपको दोबारा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, जब यही चीज़ रिमूव हो गई तो आपकी इनकंसिस्टेंसी भी रिमूव हो गई ऑटोमेटिकली, है ना, क्योंकि आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है डुप्लीकेशन। जब आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है तो इनकंसिस्टेंसी भी नहीं आएगी, सेम डेटा आप सेम उसमें आपका हो जाएगा।
और रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि कोई दूसरा अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है वो हमारे डेटा पे एक्सेस ना ले ले, तो इस चीज़ को भी ये रिस्ट्रिक्शन करता है कि व्हेन मल्टीपल यूज़र शेयर अ डेटाबेस, जब बहुत सारे यूज़र डेटाबेस को शेयर करते हैं तो इट इज़ लाइकली दैट सम यूज़र विल नॉट बी ऑथोराइज टू एक्सेस ऑल इन्फॉर्मेशन इन दी डेटा। जैसे कि यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल भी गिवन है, एग्जाम्पल से समझते हैं इस पॉइंट को, कि अकाउंट्स ऑफिस डेटा इज ऑफन कंसिडर्ड कॉन्फिडेंशियल। हम जानते हैं कि जो हमारे ऑफिस का अकाउंट डेटा होता है ना वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, यानी कि हम किसी को बताना नहीं होता, वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो, जो कि कुछ ही बहुत ही कम लोगों को पता होती है। तो ये जो डेटा होता है वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है और हम सिर्फ उसी पर्सन को ही एक्सेस दे सकते हैं जो ऑथराइज्ड हो, जिस पे ट्रस्ट हो, है ना। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है अनऑथराइज एक्सेस पे। प्रोवाइडिंग बैकअप एंड रिकवरी की बात करें तो DBMS जो है वो प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज फॉर रिकवरिंग फ्रॉम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर्स। तो DBMS जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अगर फेल हो जाए तो उससे हम अपने डेटा को रिकवर कर लें। तो बैकअप एंड रिकवरी सब सिस्टम होता है ना, हमारा बैकअप होता है ना डेटा का, तो DBMS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकवरी। तो DBMS का ये भी काम है कि वो रिकवरी कर लेता है आपके डेटा की। और बोला भी गया है यहाँ पे एग्जांपल भी कि अगर कंप्यूटर सिस्टम फेल हो गया मिडल में, आपके काम आप कर रहे हो और बीच में वो फेल हो गया, तो आप जो है अपनी रिकवरी कर लोगे DBMS के थ्रू। कंकरेंसी कंट्रोल की बात करें तो DBMS सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा सिस्टम जो कंकरेंट एक्सेस ऑफ डेटा प्रोवाइड करता है मल्टीपल यूज़र्स को। तो डेटाबेस सिस्टम जो है बचाता है हमको कोई भी इंफॉर्मेशन के लॉस के, मतलब हमारी इंफॉर्मेशन गुम, मतलब लॉस ना हो जाए उसका, तो इस चीज़ से हमको प्रिवेंट करता है कंकरेंसी कंट्रोल। तो लॉस ऑफ इंटीग्रिटी ड्यू टू दिस कंकरेंट एक्सेस, तो हम जानते हैं एक्यूरेट होना चाहिए डेटा हमारा, इंटीग्रिटी लॉस नहीं होनी चाहिए, यानी कि इंटीग्रिटी का क्या मतलब है कि आपकी एक्यूरेसी डेटा की वो भी लॉस नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज़ों से ये बचाता है, कंट्रोल करता है। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, यानी कि इसके कुछ लिमिटेशंस आप बोल सकते हो। तो कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहला, कि प्रोविजन ऑफ द फंक्शनैलिटी दैट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ ए गुड DBMS मेक द DBMS एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। तो एक कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बोला गया है कि ये आसान नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। डेटाबेस डिज़ाइनर, डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड एंड यूज़र को, जो भी इसके यूज़र्स हैं ना, उनको इसकी फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड ज़रूर करना पड़ेगा। तो अगर आप जो भी इसको यूज़ कर रहे हैं, अगर उसको समझ में नहीं आया अगर ये सिस्टम, तो इससे क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है, और समझने के लिए दिमाग होना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ये सिस्टम कोई ईजी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है। साइज़ की बात करें तो कम्प्लेक्सिटी एंड ब्रेथ ऑफ फंक्शनैलिटी मेक द DBMS एन एक्सट्रीमली लार्ज पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स है इसकी और फंक्शनैलिटी काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी अच्छा काम करता है, लेकिन हम जानते हैं फिर एक एक्सट्रीमली लार्ज पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है ये, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपके मेगाबाइट्स लगते हैं, यानी कि MB स्पेस आपका बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको रिक्वायर्ड होता है ताकि आपकी जो मेमोरी है वो एफिशिएंटली रन कर सके। तो साइज़ की प्रॉब्लम है इसमें। एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो DBMS जो है वो इज़ रिटन टू बी मोर जनरल टू कैटर फॉर मेनी एप्लीकेशन रेदर देन जस्ट वन। तो इसमें जो है ज़्यादा जनरली रिटन होना चाहिए। और बोला गया है कि द इफेक्ट इज़ दैट सम एप्लीकेशन में नॉट रन एज फास्ट एज दे यूज टू। हम जानते हैं DBMS काफ़ी फास्ट है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि काफ़ी सारी ऐसी भी एप्लीकेशन होती हैं जो फास्ट नहीं चलती हैं, तो वहाँ पे जो है प्रॉब्लम आ सकती है परफॉर्मेंस में DBMS के। हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर की बात करें तो हम जानते हैं ये एक सेंट्रलाइजेशन पॉइंट है, तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम अपने सारे रिसोर्सेज को सेंट्रलाइज कर देते हैं DBMS में, जिससे क्या होता है, वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है हमारे सिस्टम की, और जितने भी यूज़र्स या जितने भी हमारी एप्लीकेशंस हैं वो DBMS की अवेलेबिलिटी पर रिलाई करते हैं, यानी कि उस पर डिपेंड है। तो अगर वो फेल हो गया तो इससे क्या होगा, आपका पूरा काम हॉल्ट हो जाएगा, हॉल्ट का मतलब टेम्प्ररी रुक जाएगा। कॉस्ट ऑफ DBMS की बात करें तो
कॉस्ट ऑफ DBMS जो है वो वेरी करता है, यानी कि सिग्निफिकेंटली वेरी, मतलब डिपेंड करता है एक तरीके से, चेंजिंग बोल सकते हैं हम इसको, चेंजेबल होता है. तो कॉस्ट ऑफ DBMS वेरी सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट एंड फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड, कि ये कैसा सिस्टम है, ये किस तरीके का एनवायरनमेंट, किस तरीके की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उस पर डिपेंड है इसकी कॉस्ट. ऑब्वियसली इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी आएगा एनुअली. एडिशनल हार्डवेयर कॉस्ट की बात करें तो डिस्क स्टोरेज रिक्वायरमेंट होती है DBMS के लिए, और डेटाबेस जो है वो मे नेसेसिटेट द परचेज ऑफ एडिशनल स्टोरेज स्पेस. मतलब आपको ऑब्वियसली हम जानते हैं बहुत साइज चाहिए इसके लिए, मतलब बहुत सारा स्पेस चाहिए, तो इसके लिए आपको एडिशनल भी स्पेस खरीदना पड़ सकता है, एडिशनल आपको उसकी कॉस्ट पड़ जाएगी फिर, है ना. जैसे हम अपने फ़ोन में अलग से मेमोरी कार्ड अगर लगा लें, या फिर है ना पेन ड्राइव डेटा को स्टोर करने के लिए, तो ये क्या है, एक एडिशनल हमारा हार्डवेयर कॉस्ट है ना. उसके बाद हाउ ट्रेडिशनल, ये 2017 में आया था, हाउ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम डेटाबेस सिस्टम, कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम कैसे हमारे डेटाबेस सिस्टम से अलग है. तो अभी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा DBMS के बारे में, और ट्रेडिशनली भी हमने पढ़ा कि पहले क्या हुआ करता था, है ना. तो ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट में क्या होता था, ईच फंक्शनल एरिया डेवलप इट्स ओन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन. तो ट्रेडिशनली फाइल मैनेजमेंट जब हम करते थे ना, तो हर फंक्शनल एरिया का एक खुद का स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन हुआ करता था, और डेटा नीडेड फॉर ईच यूज़र एप्लीकेशन वो स्टोर इन इंडिपेंडेंट डेटा फाइल. जो भी डेटा होता था वो अलग अलग फाइल्स में जो है वो स्टोर किया जाता था. प्रोसेसिंग कंसिस्टिंग ऑफ यूजिंग सेपरेट कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अपडेटेड दिस इंडिपेंडेंट डेटा फाइल एंड यूज देम टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट रिक्वायर्ड बाई ईच सेपरेट यूज़र एप्लीकेशन. तो जब हमारा डेटाबेस सिस्टम आया तो इसमें क्या हुआ कि प्रोसेसिंग जो भी होती थी कंसिस्टेड जो भी होती थी यूजिंग सेपरेट कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज़ किए गए, इंडिपेंडेंट डेटा फाइल्स आईं, एंड फिर हमने उन डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स को जो है अलग अलग सेपरेट यूजर्स एप्लीकेशन में किया. तो दिस फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच हैज सेवरल प्रॉब्लम दैट लिमिट्स इट्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस फॉर एंड यूज़र एप्लीकेशन. तो देखिए एक बार फिर से हम इसको करेंगे, मैं इसको एक बार फिर से समझाऊंगी कि अभी जो ये हमने पढ़ा ना, ये पूरा किसके बारे में था, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के बारे में था, ठीक है. तो डेटाबेस वाला मत करना इसको, क्या था डेटाबेस वाला या नीचे है, ठीक है. तो अभी जो हम ऊपर वाला ये जो आंसर पढ़ रहे हैं ना, ये ट्रेडिशनल के बारे में बताया गया है, और फिर डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. दोबारा से देखिए, ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है, जो हर हमारा जो फंक्शनल एरिया होता है उसमें क्या होता है, डेवलप इट्स ओन स्पेशलाइज एप्लीकेशन, वो अपनी खुद की एक स्पेशलाइज एप्लीकेशन डेवलप करता है. डेटा जो भी नीड होता है हर यूज़र हमारी एप्लीकेशन के, वो स्टोर करा जाता है इंडिपेंडेंट डेटा फाइल, मतलब अलग अलग डेटा फाइल्स में. और जो भी प्रोसेसिंग होती थी उसमें हम सेपरेट कंप्यूटर प्रोग्राम्स को यूज़ करते थे, और इन इंडिपेंडेंट डेटा फाइल को फिर अपडेट करते थे, फिर उनको यूज़ करते थे, और हर मतलब यू नो सेपरेट यूज़र एप्लीकेशन के द्वारा ये होता था. तो दिस फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच, ये जो हमारा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था ना, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स थी, और फिर प्रॉब्लम्स की वजह से इसकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस भी अच्छी नहीं थी. और सिंस ईच एप्लीकेशन हैज़ इट्स ओन डेटा फाइल, हम जानते हैं सभी एप्लीकेशन का आपका अपना खुद का डेटा फाइल होता था, एंड द सेम डेटा मे बी रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड इन मैनी फाइल्स, है ना. और हमें रिकॉर्ड यही सेम डेटा को बहुत सारी फाइल्स में भी स्टोर करना पड़ता था, जिसकी वजह से रिडंडेंट डेटा आइटम आते थे, मतलब फालतू के डेटा आइटम्स हमें स्टोर करने पड़ते थे, मतलब एक्स्ट्रा. एंड डेटा रिडंडेंसी लीड टू डेटा इनकन्सिस्टेंसी, हम जानते हैं हम अगर हम बार 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 किसी चीज़ को स्टोर करेंगे तो इनकन्सिस्टेंसी भी आएगी, ये भी हमने पढ़ा भी. एंड फिर सेम डेटा अपीयर होगा एक से ज़्यादा फाइल में, जिससे क्या होगा कि डिसएडवांटेज आई हमारे कि भाई ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम अच्छा नहीं था, इसमें बहुत ज़्यादा डेटा इंटीग्रेशन की कमी थी, यानी कि एक्यूरेसी नहीं थी, करेक्टनेस नहीं थी जिसको हम बोल सकते हैं, और ये डिपेंडेंस था प्रोग्राम एंड डेटा डिपेंडेंस था, पुअर डेटा कंट्रोल, लिमिटेड डेटा शेयरिंग, है ना, मतलब आप डेटा भी शेयर नहीं कर सकते थे आसानी से. एंड इन कारणों की वजह से अब हमारा जो डेटाबेसिस हुआ है वो प्रेफर किया जाता है हमारे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, मतलब हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम प्रेफर करते हैं. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इंटीग्रेट करता है इंडिपेंडेंट डेटा फाइल्स, मतलब
मतलब जो भी इंडिपेंडेंट डेटा फाइल्स हैं इनको क्या करता है, जोड़ता है एक तरीके से, एक सिंगल लॉजिकल एंटिटी बनाता है। पहले तो हम अलग अलग करते थे ट्रेडिशनल में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम इन सभी फाइल्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो इस इंटीग्रेशन की वजह से क्या होता है, बेनिफिट्स होते हैं हमारे को, सेल्फ डिस्क्राइब नेचर ऑफ डेटाबेस सिस्टम में यहाँ पे बोला गया है कि कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं। पहला, सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग डेटा डेफिनेशन में टिपिकली पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम, मतलब बोला गया है कि जो पहले ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग होती थी डेटा की, वो एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स प्रोग्राम्स का जो है पार्ट हुआ करती थी। लेकिन जो DBMS सॉफ्टवेयर है कैन एक्सेस डाइवर्स डेटाबेस बाय एक्सट्रैक्टिंग द डेटाबेस डेफिनेशन फ्रॉम द कैटलॉग मेंटेन्ड एज ए पार्ट ऑफ द फाइल एंड देन यूजिंग दिस डेफिनेशन। कि DBMS सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सेस कर सकता है डाइवर्स अलग अलग टाइप के डेटाबेसिस में, और देन यूजिंग मतलब और जो है मेंटेन कर सकता है हर फाइल को एक ही उसमें कैटलॉग की फॉर्म में, कैटलॉग होता है ना, एक बुक होती है कैटलॉग, उसमें मेंटेन कर सकता है। एंड बस तो ये है। और दूसरा इसका है, मतलब नाम से ही हमें पता चल रहा है ना कि सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डेटाबेस सिस्टम। दूसरा है शेयरिंग ऑफ रिसोर्स, कि DBMS में हम क्या कर सकते हैं, टेबल्स जो भी हम क्रिएट करते हैं, इंटीग्रेटेड टेबल्स क्रिएट किए जा सकते हैं अलग अलग यूज़र्स के द्वारा एक सेंट्रल डेटाबेस में। तो ये पॉसिबल हुआ है किसके द्वारा, DBMS के द्वारा, जिसमें हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डेटा को शेयर कर सकते हैं। थर्ड, डेटा प्रोग्राम इंडिपेंडेंस। तो कैटेलॉग मेंटेन की जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कैटेलॉग एक बुक टाइप होती है ना, तो कैटेलॉग मेंटेन की जाती है डेटाबेस अप्रोच में एज अ पार्ट ऑफ फाइल, मतलब एक तरीके की फाइल के पार्ट ही माना जाता है इसको, जिसमें हमारे डेटाबेस डेफिनेशंस होती हैं जो इंश्योर करती हैं डेटा प्रोग्राम की इंडिपेंडेंस को। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच था, इसमें क्या होता था, वो डिपेंडेंट हुआ करता था हमारा डेटा और प्रोग्राम। लेकिन DBMS में हमारा डेटा और प्रोग्राम इंडिपेंडेंट होता है। रिडंडेंसी कंट्रोल, रिडंडेंसी कंट्रोल का मतलब वही है जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको बार बार एक ही डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है हमारे DBMS सिस्टम में, पहले हुआ करती थी। मल्टीपल व्यू की बात करें तो DBMS में पॉसिबल है कि जो डेटाबेस अप्रोच है उसमें आप मल्टीपल मिरर इमेज क्रिएट कर सकते हो अपने डेटा की एज पर रिक्वायरमेंट, है ना। सिक्योरिटी की बात करें तो डेटाबेस अप्रोच ऑफर करता है एक ईजियर सिक्योरिटी कंट्रोल मैकेनिज्म, मतलब आप सिक्योर कर सकते हो अपने डेटा को और इंटीग्रिटी भी बनाए रख सकते हो, यानी कि एक्यूरेसी। व्हाट डू यू मीन बाय एट्रीब्यूट्स, व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स इन डेटाबेस। तो एट्रीब्यूट बताने हैं, एट्रीब्यूट क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो डिस्क्राइब करती है एक एंटिटी को, एंटिटी को मतलब कोई भी सेपरेट चीज को, है ना। तो इट इज़ सम क्वालिटी अबाउट द एंटिटीज दैट द यूजर वॉन्ट टू रिकॉर्ड इन डेटाबेस। तो ये एक तरीके की क्वालिटीज होती है, एट्रीब्यूट का दूसरा नाम है क्वालिटीज, ठीक है, गुण हिंदी में। तो इट इज़ सम क्वालिटी अबाउट द एंटिटी दैट द यूजर वॉन्ट टू रिकॉर्ड, मतलब एक एंटिटी के बारे में उसके गुण लिखने हैं जिसको हम डेटाबेस में रिकॉर्ड कर सकें, जैसे कि क्या, कि द एम्प्लॉय इज द एंटिटी एंड एम्प्लॉयज नेम। अब अगर मान लो हमारी एंटिटी क्या है, एक एम्प्लॉय है, तो हम एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की एज, एम्प्लॉय का एड्रेस, सैलरी, जॉब, ये सब उसके क्या हैं, एट्रीब्यूट्स मानेंगे और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो एंटिटीज एंड रिलेशनशिप कैन बोथ हैव एट्रीब्यूट, और एंटिटी और उनके रिलेशनशिप दोनों में ही एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, दोनों में ही क्वालिटीज़ हो सकती हैं। टाइप बताए गए हैं की और नॉन की, सिंपल और कंपोजिट, सिंगल वैल्यू एंड मल्टीपल वैल्यू, और स्टोर, कोडेड और डिराइव। तो नंबर वन, की और नॉन की एट्रीब्यूट क्या होते हैं। की एट्रीब्यूट जो हैं वो आर दी आइडेंटिफायर दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी। की एट्रीब्यूट आइडेंटिफायर होते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं एंटिटी को। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इस पॉइंट को। यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, दिख रहा है ना यहाँ पे फोर्थ लाइन में। तो इन दी एम्प्लॉई एंटिटी टाइप, अगर हम एम्प्लॉई की बात करें तो एम्प्लॉई नंबर इज दी की एट्रीब्यूट, सिंस नो टू एम्प्लॉई कैन हैव द सेम एम्प्लॉई नंबर। मतलब हमने इस एम्प्लॉई को एक नंबर दे दिया, जैसे आपका एक रोल नंबर होता है ना, तो आपको अगर एक रोल नंबर मिल गया तो वो क्या है, एक तरीके का की एट्रीब्यूट है, ठीक है। और नॉन की एट्रीब्यूट क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टर, मतलब जो आपकी
कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करे, मतलब आपके बारे में डिस्क्राइब करे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है एम्प्लॉय के बारे में, कि एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की एड्रेस, डेट, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सब क्या है, नोन की एट्रीब्यूट है। की एट्रीब्यूट हमने समझा और नोन की एट्रीब्यूट हमने समझा। की एट्रीब्यूट मतलब कुछ ऐसा जो दूसरों से अलग हो, और नोन की एट्रीब्यूट ऐसा जो दूसरों जैसा हो, यानी कि अब नेम, एड्रेस तो हम सभी का ही लिखेंगे, लेकिन जो नंबर होगा की वाला वो तो सबका अलग अलग होगा। सिंपल एंड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट, मतलब ऐसी क्वालिटीज जिनके आप, जिनको आप सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। सब पार्ट क्या होता है, किसी भी चीज़ के जो मान लो एक कार है, सब पार्ट्स का पॉइंट समझिए, मान लो एक कार है, अगर कार के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना वो उसके क्या होंगे, सब पार्ट्स होंगे। अगर हम एक कार को पार्ट बोल रहे हैं तो कार के जितने भी पार्ट होंगे वो सारे उसके सब पार्ट्स होंगे। कोई भी चीज़ को अगर हम पार्ट बोलते हैं तो पार्ट के जो पार्ट्स होते हैं ना वो सब पार्ट्स होते हैं। तो एट्रीब्यूट दैट कांट बी डिवाइडेड इंटू सब पार्ट्स, तो ऐसे एट्रीब्यूट जिनको आप सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते वो हमारे सिंपल और एटॉमिक एट्रीब्यूट। एटॉमिक क्यों बोला गया, क्योंकि हमारा एटम भी ऐसे ही होता है ना, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे एटॉमिक वर्ड यूज़ हुआ है। तो एग्जांपल गिवन है यहाँ पे, एम्प्लॉय नंबर इज़ अ सिंपल एट्रीब्यूट, जो एम्प्लॉय नंबर है वो एक सिंपल एट्रीब्यूट है। क्यों, क्योंकि सिंपल है ना, आप एक नंबर को कैसे डिवाइड करोगे आगे, आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर ही रहेगा, एम्प्लॉय का जो नंबर है वो नंबर ही रहेगा। अब एज किसी पर्सन की है वो एक सिंपल एट्रीब्यूट है ना, तो ये सिंपल हो गया। कंपोजिट क्या होता है, ये सिंपल के बारे में था, अब कंपोजिट की बात करें तो कंपोजिट ऐसा होता है जिसको आप सब पार्ट्स में कर सकते हो डिवाइड, मतलब जस्ट उल्टा। तो दीज सब पार्ट्स रिप्रेजेंट बेसिक एट्रीब्यूट, ये जो सब पार्ट्स होते हैं वो बेसिक एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल भी गिवन है कि नेम एट्रीब्यूट कैन बी डिवाइडेड इन टू सब पार्ट, अब हम नाम को भी डिवाइड कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट नेम ये है, आपका मिडल नेम ये है, आपका लास्ट नेम ये है ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सरनेम जिसको हम बोलते हैं, तो ये क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है। सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एट्रीब्यूट्स दैट कैन हैव सिंगल वैल्यू, मतलब ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी सिंगल वैल्यू होती है वो सिंगल वैल्यूड होते हैं। बोला गया है कि ए पर्सन कांट हैव मोर देन वन एज वैल्यू, अब एक से ज़्यादा एज वैल्यू तो नहीं होगी ना उसकी, जो इस टाइम है वही रहेगी। तो देयरफॉर एज ऑफ ए पर्सन इज़ अ सिंगल वैल्यूड। और मल्टी वैल्यूड की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि आपने क्या क्या कर सक किया हुआ है, कितनी डिग्री आपके पास, बी कॉम की डिग्री है, एम कॉम की डिग्री है, या आपके पास बी एड की डिग्री है, तो ये क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। उसके बाद स्टोर्ड, कोडेड एंड डिराइव्ड की बात करें तो एट्रीब्यूट, देयर मे बी अ केस व्हेन टू और मोर एट्रीब्यूट वैल्यू आर रिलेटेड, मतलब ऐसे एट्रीब्यूट जिसमें हमारे दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट्स वैल्यू जो है वो रिलेटेड होती हैं। जैसे कि एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे एज का लिया है, तो एज ऑफ ए पर्सन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम पर्सन डेट ऑफ बर्थ, तो अब आपको ना किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, मतलब एज कैलकुलेट करनी है, तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से कर लोगे उस पर्सन की, है ना, कि भाई इस पर्सन की ये डेट ऑफ बर्थ है और आज ये प्रेजेंट डेट है, तो आप उसकी एज कैलकुलेट कर लोगे। तो ये क्या है, एज क्या है, एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट फ्रॉम विच अनदर एट्रीब्यूट वैल्यू इज डिराइव्ड, मतलब एक ऐसा एट्रीब्यूट जिससे हमारा दूसरा एट्रीब्यूट डिराइव हो, मतलब हमने एज लिया, एज एक डिराइव्ड है, तो वो हमारा क्या है, डिराइव्ड इज कॉल्ड स्टोर एट्रीब्यूट। तो इसको एक बार एक्सप्लेन भी करती हूँ मैं, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट फ्रॉम विच अनदर एट्रीब्यूट वैल्यू इज डिराइव्ड, मतलब एक ऐसा एट्रीब्यूट जिससे हम दूसरा एट्रीब्यूट निकाल रहे हैं वो हमारा स्टोर्ड एट्रीब्यूट कहलाता है। तो अबव एग्जाम्पल में ना जो डेट ऑफ बर्थ थी वो क्या थी, स्टोर्ड एट्रीब्यूट थी। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा, डेट ऑफ बर्थ से उसकी एज को कैलकुलेट किया। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट मतलब जो हमने उसकी एज निकाली, है ना। अब आता है हमारा हाउ मेनी टाइप ऑफ यूजर्स वर्क ऑन डेटाबेस सिस्टम, अब कितने टाइप के हमारे जो यूजर्स होते हैं ना वो डेटाबेस सिस्टम पर वर्क करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स,
टाइप्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम यूज़र, तो बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारा डेटाबेस सिस्टम यूज़र होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड बाय द वे दैट दे एक्सपेक्ट टू इंटरैक्ट विद द सिस्टम। तो अब मतलब इनमें डिफरेंस क्या होता है कि वो सिस्टम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से इंटरैक्ट हो रहे हैं। तो प्राइमरी गोल क्या होता है डेटाबेस सिस्टम का, जो पहला गोल होता है, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हो, मतलब उसको दोबारा से वो कर सकते हो एंड स्टोर भी कर सकते हो नई इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में। तो अब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स प्रोग्रामर आता है, फिर सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स आते हैं, फिर हमारे स्पेशलाइज यूज़र्स आते हैं और फिर एंड यूज़र्स आते हैं। तो इनके बारे में, यूज़र्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो नंबर वन जो हमारा यूज़र है वो है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स को बोला गया है कि ये प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि डेवलप करते हैं और राइट करते हैं, लिखते हैं क्या एप्लीकेशन प्रोग्राम को, जो कि डेटाबेसिस को यूज़ करते हैं। एंड दीज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो और ये जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं, जैसे कि कोबोल, जावा, ये हमारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं ये। तो दे इंटरैक्ट विद द सिस्टम थ्रू DML कॉल्स। तो ये जो है सिस्टम के से जो है इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि DML कॉल्स के थ्रू, या फिर विच आर एम्बेडेड इन अ प्रोग्राम रिटन इन अ होस्ट लैंग्वेज, जैसे कि हमारी होस्ट लैंग्वेज होती है पास्कल और सी, है ना, C++ सुना होगा आपने। तो DML सिंटैक्स एक डिफरेंट है फ्रॉम किससे, होस्ट लैंग्वेज से। DML कॉल्स आर यूजुअली प्रीफेस्ड बाय अ स्पेशल करेक्टर। कैसे डिफरेंट है, क्योंकि DML कॉल्स में एक स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम डॉलर यूज़ कर सकते हैं, एक हैशटैग हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो एप्रोप्रिएट कोड है वो जनरेट हो। एक स्पेशल प्री प्रोसेसर जो है वो कहलाता है DML प्री कंपाइलर, जो हम कन्वर्ट करते हैं इस DML स्टेटमेंट को एक नॉर्मल प्रोसीजर कॉल में और हमारी होस्ट लैंग्वेज में। तो देयर आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक स्पेशलाइज टाइप की हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कंबाइन करती है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को, पास्कल एक हमारी लैंग्वेज है, और विद कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर दी मैन्यूपुलेशन। मैन्यूपुलेशन का मतलब किसी चीज़ में बदलाव करना, किसी चीज़ को मैन्यूपुलेट करना। तो ये हमारे एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होते हैं। उसके बाद सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स की बात करें तो ये इंटरैक्ट करते हैं हमारे सिस्टम के साथ बिना राइटिंग प्रोग्राम्स के। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स में हमारे राइटिंग प्रोग्राम्स थे, लेकिन सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स की बात करें तो ये विदाउट राइटिंग प्रोग्राम्स होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, दे फॉर्म देयर रिक्वेस्ट इन डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। ये अपनी रिक्वेस्ट को कैसे करते हैं, डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज में करते हैं, और हर वो क्वेरी जो है वो सबमिट होती है क्वेरी प्रोसेसर में, और फिर उसको ब्रेक डाउन किया जाता है फिर DML स्टेटमेंट्स इनटू इंस्ट्रक्शंस एंड दैट द स्टोरेज मैनेजर अंडरस्टैंड, जिसको स्टोरेज मैनेजर भी समझ सके। उसके बाद स्पेशलाइज यूज़र्स की बात करें तो सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स ही इनको बोला गया है, जो राइट करते हैं यानी कि लिखते हैं स्पेशलाइज डेटाबेस एप्लीकेशन दैट डू नॉट फिट इनटू द ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। मतलब कि पहले का जो ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क था उस पर ये फिट नहीं बैठते थे, लेकिन जब हमारा DBMS आया तो उसमें होता ही है। तो अमंग दीज एप्लीकेशन आर कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन सिस्टम। ये जो हमारी एप्लीकेशन है ये कंप्यूटर एडिड होती हैं, नॉलेज बेस्ड होती हैं और एक्सपर्ट सिस्टम होती हैं। एंड यूज़र्स की बात करें तो दे आर दोज हु एक्सेस द डेटाबेस। मतलब ये वो यूज़र्स होते हैं जो डेटाबेस पर एक्सेस करते हैं फ्रॉम द टर्मिनल एंड, जो हमारा टर्मिनल एंड होता है उससे, और दे यूज़ द डेवलप्ड एप्लीकेशन। वो डेवलप्ड एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द डिज़ाइन। उनको कोई भी नॉलेज नहीं होती डिज़ाइन के बारे में, डेटाबेस की वर्किंग के बारे में। तो दीज आर द सेकेंड क्लास ऑफ यूज़र, ये सेकेंड क्लास ऑफ यूज़र बोला गया इनको। एंड इनका जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है, मोटो इज़ जस्ट टू गेट देयर टास्क डन, मतलब अपना काम पूरा करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि दो टाइप के हमारे एंड यूज़र्स होते हैं, पहला कैजुअल, दूसरा नेव। तो कैजुअल की बात करें तो इन यूज़र्स को काफ़ी नॉलेज होती है क्वेरी लैंग्वेज की,
कैजुअल यूज़र जो है वो एक्सेस करते हैं डेटा को बाय एंटरिंग डिफरेंट क्वेरीज, मतलब अलग अलग क्वेरीज को वो एंटर करते हैं एंड दे डू नॉट राइट प्रोग्राम्स बट दे कैन इंटरैक्ट, वो प्रोग्राम तो नहीं लिखते लेकिन वो इंटरैक्ट करते हैं हमारे सिस्टम के द्वारा बाय राइटिंग क्वेरीज, क्वेरीज को राइट करके। नेव यूज़र्स की बात करें तो ये अनसोफिस्टिकेटेड यूज़र होते हैं जो इंटरैक्ट करते हैं हमारे सिस्टम से बाय वन ऑफ द परमानेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड दैट हैव बीन रिटन प्रीवियसली। तो फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि हमारा ATM इसका एग्जाम्पल है। वट इज मीन्ड बाय एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग, तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग के बारे में बोला गया है। तो एक पॉपुलर कंसेप्चुअल डेटा मॉडल है जो मोस्टली यूज होता है डेटाबेस ओरिएंटेड एप्लीकेशंस में, और मेजर जो एलिमेंट्स हैं इसके वो हैं एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, आइडेंटिफायर्स एंड रिलेशनशिप, जो हम यूज़ करते हैं रियलिटी को एक्सप्रेस करने में, जिसके लिए हमने डेटाबेस को डिज़ाइन किया है। तो एनी थिंग इन द रियल वर्ल्ड विद इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एंटिटी, कि ना कोई भी चीज़ हमारे रियल वर्ल्ड में जो इंडिपेंडेंट है ना, जो डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट है, वो हमारी क्या होती है, एंटिटी होती है। कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो सकती है, कोई कंपनी, कोई जॉब, कोई यूनिवर्सिटी, ये सब हमारी एंटिटी होती है। एट्रीब्यूट्स की बात करें तो ये इंटरेस्ट होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज जिसको आप बोलते हो, ये हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं कि ये पर्सन है, इसकी हाइट इतनी है, इसका वेट इतना है, इसकी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, ये क्या है, ये एट्रीब्यूट्स है। एंटिटी हैज़ अ वैल्यू, एंटिटी की वैल्यू होती है उनके एट्रीब्यूट से। अब देखिए आपकी भी वैल्यू होगी आपके एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे, जो भी आपके अंदर क्वालिटीज होंगी, है ना। तो इसी तरीके से एंटिटी की भी वैल्यू होती है, और विच इज़ डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस, और डेटाबेस में हम इसको स्टोर करते हैं। तो रिलेशनशिप अमंग टू और मोर एंटिटी टाइप्स, जब दो या दो से अधिक एंटिटी में रिलेशनशिप होता है तो वो क्या दिखाता है, रिस्पेक्टिव एंटिटी का रिलेशनशिप दिखाता है। एंड ER डिज़ाइन, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डिज़ाइन जो है वो एक फॉर्मल ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें हमारे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस भी होते हैं, यानी कि पिक्चर्स की फॉर्म में, एंड इन विच एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कंसेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं हम रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, रियलिटी के डिस्क्रिप्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जाम्पल हमें गिवन है कि ER मॉडल जो है वो अकाउंटिंग रियलिटी का कुछ इस तरीके से दिखता है, कि यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, प्रेप बाय, ऑथ बाय, वाउचर्स, डेबिट क्रेडिट, अकाउंट टाइप हमारे क्लासीफाई, फिर अकाउंट्स का हम जानते हैं ना डेबिट क्रेडिट होता है, तो वही सब है इसमें, और कुछ नहीं है। फिर बोला गया है कि ट्रांसलेशन ऑफ ER मॉडल इनटू रिलेशनल मॉडल। तो अब एंटिटी रिलेशन मॉडल को अगर आप रिलेशन मॉडल में ट्रांसलेट करेंगे तो रिलेशनल डाटा मॉडल क्या है, रिलेशनल डाटा मॉडल एक रिप्रेजेंटेशन है डेटा मॉडल का, जिसके द्वारा हमारा एंटिटी रिलेशनशिप डिज़ाइन इज ट्रांसफॉर्म, मतलब ट्रांसफॉर्म किया जाता है इंटर रिलेटेड डेटा टेबल्स में एंड रिस्ट्रिक्शंस के साथ, मतलब रूल्स वगैरह भी होते हैं जो स्पेसिफाई होते हैं, जो इंश्योर करते हैं क्या, जो भी डेटा स्टोर किया जा रहा है उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे, यानी कि एक्यूरेसी बनी रहे। तो फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्या ER मॉडल को रिलेशनल डाटा में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जैसे कि फर्स्ट क्रिएट अ रिलेशन फॉर एवरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी, कि हमको ना सबसे पहले रिलेशन क्रिएट करना है हर स्ट्रॉन्ग एंटिटी का। तो जितनी भी हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप होती है विच हैज़ प्राइमरली की इन ER स्कीमा एक सेपरेट रिलेशन होता है, जिसमें हमारे वो सभी सिंपल एट्रीब्यूट्स, अभी हमने एट्रीब्यूट्स की बात करी थी ना, तो सभी सिंपल एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आते हैं एंटिटी के, क्रिएट किए जाते हैं। फिर एक सेपरेट रिलेशन क्रिएट करना है हर वीक एंटिटी टाइप का, मतलब कोई वीक एंटिटी है उसका एक सेपरेट रिलेशन क्रिएट करना है। तो एवरी वीक एंटिटी हैज़ एन ओनर एंटिटी, हम जानते हैं जो भी हमारी वीक एंटिटी होती है उसकी एक खुद की एंटिटी होती है, एंड एन आइडेंटिफाइंग रिलेशन थ्रू विच सच वीक एंटिटी टाइप इज आइडेंटिफाइड, जैसे कि इन्होंने बोला है कि ना फॉर एवरी वीक एंटिटी टाइप, हर वो वीक एंटिटी टाइप के लिए एक सेपरेट रिलेशन क्रिएट किया जाता है, उसमें उनके एट्रीब्यूट्स भी इंक्लूडेड होते हैं,
और प्राइमरी की होती है ओनर एंटिटी की, उसमें हमारी फॉरेन की भी इंक्लूडेड होती है और रिलेशन की ओनर एंटिटी की और पार्शियल की भी। उसके बाद ये सब तो कीज़ का हो गया, उसके बाद आइडेंटिफाई करना होता है एंटिटी टाइप्स को जो हमारे बाइनरी वन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आइडेंटिफाई सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन ऑन एन साइड ऑफ द रिलेशन एंड सेकंड ऑन वन साइड ऑफ सच रिलेशनशिप। तो फिर प्राइमरी की ऑफ सेकंड रिलेशन शुड बी इंक्लूडेड इन दी, जो भी प्राइमरी की होगी सेकंड रिलेशन की उसको हमें फर्स्ट रिलेशन में इंक्लूड किया करना होगा और उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन की। आइडेंटिफाई एंटिटी टाइप्स पार्टिसिपेटिंग इन बाइनरी एम, तो इसके बारे में क्या बोला गया है कि एन रिलेशन टाइप क्रिएट अ न्यू रिलेशन टू रिप्रेजेंट सच रिलेशनशिप। तो एक न्यू रिलेशन क्रिएट किया जाता है एंड दिस न्यू रिलेशनशिप शुड इंक्लूड एज, इसमें हमारी फॉरेन की भी आती है, हमारी प्राइमरी की भी आती हैं, जो हमारे रिप्रेजेंट करती है पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप्स को। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे आने वाली वीडियोस में आपको इसके बाकी के क्वेश्चंस मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।